So here in this question, Gopal bought a cell phone and sold it to Ram, okay, at 10% profit, okay. And then Ram wanted to sell it back to Gopal at 10% loss. So what will be Gopal's position if he agreed? Four options are given to you, neither loss nor gain. Loss 1%, gain 1%, very easy, very easy. See now, Gopal or Ram ke beech mein jo bhi deal ho rahi hai, theek hai? You have to understood here. That Gopal bought a cell phone and sold it to Ram, okay. And if you'll see the options, all the options are in percentage except A. Neither loss nor gain, wo bhi ek tarike se dekha jaye to percentage mein options hain. Loss 1%, gain 1%. When the things are in percentage, to humare liye bada aasani hai, humare liye bada easy hai. Why it is easy for us? Because now we can take any value. Okay, Abhinav God is saying, sir, I have doubt in this question. Are, don't worry, yaar. It's very simple. Few people are saying, neither wale. We can take any value, yaar. See, main ab is question ko aapko achhe se karke dikhata hu. Theek hai? Let me do it properly for you. Isko karne ke liye, bahut hi asan tarika hai. Hum log kya karte hain? We will take values, apni marzi se. Aur kya value lenge? Easy value lenge, theek hai? To Gopal ke case mein hum log lete hain. लेट्स टॉक अबाउट गोपाल, क्योंकि गोपाल और राम के बीच में ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है. तो गोपाल सेलफोन, तो गोपाल सेलफोन बेच रहा है राम को. तो आप ये सोचिए कि लेट गोपाल ने कितने का खरीदा, सीपी फॉर गोपाल. लेट सीपी फॉर गोपाल, गोपाल के लिए सीपी कितना है, सपोज 100 रुपीज़. ओके, 100 रुपीज़ का अगर गोपाल ने फ़ोन ख़रीदा तो उसने बेचा राम को 10% प्रॉफिट के साथ, ठीक है. तो प्रॉफिट कितना हुआ, 10%. प्रॉफिट कितना हुआ, 10%. तो सेलिंग प्राइस क्या होगा, चिल्ला चिल्ला के मैं कहूँगा एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. 10% लॉ प्रॉफिट का मतलब होता है 110/100, ठीक है. और मैं बच्चों से कहता भी हूँ कि इन ब्रैकेट बट यू हैव टू राइट द होल फॉर्मूला, ओके. ऐसे फॉर्मूला आप ऐसे लिख सकते हो दैट एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. ये 110 कैसा आया, जब आप 100+ गेन परसेंट करोगे अपॉन 100, ठीक है. सो दिस फॉर्मूला इज ओनली फॉर फॉर्मेलिटी. जो बच्चे नए हैं उनको शायद से थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, अदरवाइज इट्स वेरी इजी. अब नाउ व्हाट यू हैव टू डू, तो कितना कितने में बेचा होगा, एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. सी पी इज 100, वी हैव टेकन इनटू 110/100. हम सीधा बोल भी सकते हैं, ठीक है. जितने भी बच्चे आरएमएस और सैनिक स्कूल के हैं वो तो डायरेक्टली जैसे ही वो सी पी 100 लेंगे तो एस पी सीधा आ जाएगा 110, क्योंकि 10% का प्रॉफिट है, ओके. कुछ बच्चे कह रहे हैं नाइदर लॉस नॉर प्रॉफिट, तो उसको अच्छे से देखना आपने, ठीक है. अब ठीक है, तो उसने गोपाल ने राम को कितने का बेचा, 110 रुपीज़ का बेचा. इट मीन्स दिस 110 रुपीज़ इज नथिंग बट सी पी फॉर राम, ओके. इट इज सेलिंग प्राइस फॉर, दिस इज एस पी फॉर गोपाल, ओके. दिस इज एस पी फॉर गोपाल, बट सी पी फॉर राम, बिकॉज राम इज परचेसिंग इट, ओके. दिस वट यू शुड नो दैट सी पी एंड एस पी चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, ओके. अब क्या हो जाएगा, नाउ इट्स वेरी इजी. सो इट इज़ नाउ सी पी फॉर राम, ठीक है. अब क्या कर रहा है, देन राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक टू गोपाल, ठीक है. सो नाउ राम वॉन्ट्स टू सेल इट बैक टू गोपाल, अच्छी बात है. तो सी पी कितना जाएगा यहाँ पर, सी पी विल बी 110, क्योंकि राम को उतने का ही पड़ा है वो, ठीक है. अब नाउ राम वॉन्टेड टू सेल इट बैक गोपाल एट 10% लॉस, तो उसको लॉस होगा कितना, 10% का. तो अगेन चिल्ला चिल्ला के मैं क्या कहने वाला हूँ, एस पी इज अ फंक्शन ऑफ, एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. 10% लॉस को हम लिखते हैं 90/100, ठीक है. कैसे हम 100 से कंपेयर करते हैं, आई होप यू ऑल आर गेटिंग इट, ठीक है. पहला क्वेश्चन है, थोड़ा अच्छे से करके दिखा रहा हूँ. तो आप ब्रैकेट में फॉर्मूला जरूर लिखेंगे बताने के लिए दैट एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. 90 कैसा आया, जब आपने 100 माइनस लॉस परसेंट किया, ठीक है. तो फॉर्मूला मैं आप लोगों के लिए ब्रैकेट में लिख रहा हूँ, ठीक है. बस इफ यू विल पुट वैल्यूज आपके समझ में आ जाएगा. अगर आप वैल्यूज पुट करेंगे तो यहाँ पर एस पी इज अ फंक्शन ऑफ सी पी. सी पी इज हेयर 110 इंटू 90/100. दो जीरो से दो जीरो कैंसिल एंड यहाँ पर आ गया 99, ठीक है. अब सी
अब आपने देखना है, तो ये जो एसपी है ना, ये जो एसपी है ठीक है, ये किसको मिला? दिस इज एसपी फॉर राम, बट दिस विल गोइंग टू बी सीपी फॉर गोपाल, ठीक है। तो गोपाल ने पहले कितने का खरीदा था? 100 का। अब कितने का हो गया? 99। तो वेरी गुड, अब बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। नाउ देयर सक्षम राघव इज गिविंग द आंसर दैट इट्स 1% लॉन्ग, ठीक है। ओके ओके, बस इट विल गोइंग टू बी 1% लॉस। अब तो बहुत इजी, नाउ दिस क्वेश्चन इज वेरी इजी। सी, आप सीधा आप मुंह से बोल सकते हैं, ठीक है। आप सी, ये 100 है और ये 99 है। 100 से 99 का मतलब है आपको 1% लॉस हुआ है डायरेक्टली, ठीक है। गोपाल को पहले, यू आर गेटिंग इट? ओके, बट वी हैव टू टेल, वी हैव टू टेल दैट वट विल बी द गोपाल्स पोजिशन इफ ही एग्रीड। ओके, वट विल बी गोपाल्स पोजिशन? ओके, सो गोपाल पोजिशन विल बी लॉस, एंड दैट विल बी लॉस हाउ मच? 1% लॉस। हाउ दैट लॉस विल गोइंग टू कम? ओके, दैट लॉस विल गोइंग टू कम लाइक दिस। ओके, सो यू शुड नो दैट, आपको मालूम होना चाहिए लॉस का फॉर्मूला क्या होता है। लॉस इज गिवन बाय लॉस परसेंट, लॉस परसेंट इज गिवन बाय लॉस अपॉन सीपी इनटू 100। ओके, तो लॉस कितने का हो रहा है? 1 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। 100 रुपये की चीज़ है और 99 रुपीज़ मिल रहे हैं गोपाल को। 100 रुपये का, 100 रुपये का क्या था ये? इट वॉज़ अ सेल फोन, 100 रुपीज़ का सेल फोन था, एंड ही इज़ गेटिंग 99, मतलब देर इज अ लॉस ऑफ 1 रुपीज़। सो लॉस इज इक्वल टू 1 अपॉन सीपी, कितनी थी ओरिजिनल? वी हैव टेकन 100 इंटू 100, सो इट इज़ नथिंग बट 1% लॉस। आया समझ में? आई होप कि आप सभी को ये समझ में आया। ओके,